कृपया मंच की ओर पधारे जो हमारे जैन सेवा संघ के अध्यक्ष है। सम्माननीय तहे दिल आमंत्रित करता हूं श्रीमान अशोक जी बर्मेचा जो चेयरमैन है। इसी कड़ी में महामंत्री श्री अशोक जी मुद्दा से निवेदन है कि कृपया वे मंच की ओर पधारकर मंचासीन हो। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए जैन सेवासन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान सा सुभाष जी पिरोदिया से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर पधारकर इस मंच की गरिमा बढ़ाए। कड़ी में हमारे उपाध्यक्ष जैन सेवासन के श्रीमान सा विनोद जी संजय जी से भी निवेदन करता हूं कि वे मंच की ओर पधारकर अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन की इस कड़ी में तहे दिल आमंत्रित है सहमंत्री जैन सेवा संघ श्री राजेश जी गोगलिया, कृपया मंच की गरिमा बढ़ाए। आमंत्रासीन हो। इसी कड़ी में जी रांका से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच की ओर पधारे और मंचासीन होकर इस समारोह की गरिमा बढ़ाए। महावीर हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान सा सुनील जी पहाड़े, कृपया मंच की ओर पधारे और अपना स्थान ग्रहण कर इस समारोह की गरिमा बढ़ाए। ऐसे ही तेरा पंत समाज के धर्म सभा के उपाध्यक्ष श्रीमान सा हिमांशु जी बाफना, कृपया इस मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें और मंच की शोभा बढ़ाए। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इस टीम ने वो काम किया है जिसका हमने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन आज वो सपना हमारे जैन समाज के सामने साकार होकर उतरा है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हर्ष बढ़ाने वाले सभी कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों का तहे दिल स्वागत। मैं हमारे जैन सेवा संघ के उपाध्यक्ष श्री विनोद जी संचय जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने भाव प्रकट करें। भगवान महावीर साहब के चरणों में वंदन। त्रिनगर से पधारे सभी जैन परिवार से आप सभी का श्री जैन सेवा संघ के यहाँ प्रांगण में आपका सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज ये बड़ा ही उल्लास का और खुशी का माहौल पूरे तेलंगाना में जैन परिवारों में देखने को मिला है। ये पूरा श्रेय आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं सबसे पहले हमारे अध्यक्ष योगेश जी सिंह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आज जहाँ हम बैठे हैं ये इन्हीं की बदौलत है, और इन्हीं के साथ साथ हिमांशु जी बाफना, इनकी जो दोनों की तालमेल है, जो संघर्ष किया है, ये आप अपने सामने देख रहे हैं। इतना आसान नहीं सरकार से जमीन लेना। इन्होंने मात्र एक कार्य के लिए गए हैं, लेकिन चंद्रशेखर राव जी साहब ने मैं भी कृपा करके हमें तीन तीन तोहफे दिए हैं, उनका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, ये पूरा उन्हीं का आशीर्वाद है। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जैन सेवा संघ के हर कार्य में आप आगे आए, जुड़े, हमारा मनोबल बढ़ाए, हमको आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें। जय हिंद। बड़े ही सुंदर एवं कम शब्दों में हमारे